Hello everyone, I welcome you all on this platform, and in today's particular class we are going to learn participle, and I hope you have watched the previous lectures in which we have covered infinitives, gerund and all types of verb as well. Okay, so aaj ki class mein hum log participle ko discuss karne wale hai. Basically bahut sare students ko is cheez mein confusion ho jata ki agar participle bhi verb ka ing form hai, ठीक है, और अगर जेरंड भी वर्ब का, कल हम लोगों ने बेसिकली जेरंड पढ़ने की कोशिश की, ठीक है, तो जेरंड बेसिकली वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, पार्टिसिपल भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, और एक वर्ब यूज होता है वो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है सर? ठीक है, तो आप बिल्कुल ही आराम से देखते जाओगे, सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी. ओके, तो पार्टिसिपल्स को अगर बात पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल एक्चुअली में आपको बोला तो गया कि एक वर्ब है, ठीक है, बट वो वर्ब जो है फंक्शन किस चीज का कर रहा होगा सर? एडजेक्टिव का. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि कोई भी पार्टिसिपल, कोई भी अगर वर्ब की बात करें, अगर वो वर्ब एक एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगे तो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल. अब वो एडजेक्टिव का फंक्शन कैसे करता है उस चीज को समझते जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है, आप पेशेंसली देखते रहोगे. जैसे इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो लिखेंगे व्हेन अ वर्ब फॉर्म फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड पार्टिसिपल. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? पार्टिसिपल. व्हेन अ वर्ब फॉर्म, ठीक है, वर्ब फॉर्म की आप बेसिकली बात करोगे तो ये जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है सर, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम बेसिकली कंसीडर करके चलते हैं. होता तो इनफैक्ट ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है. अच्छा, आप देखोगे थोड़ा सा कि ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये दो वर्ब फॉर्म की बात की जा रही है. किसकी? वर्ब के थर्ड फॉर्म की एंड वर्ब के आईएनजी फॉर्म की. ये दोनों वर्ब का फॉर्म जो है बेसिकली एडजेक्टिव का फंक्शन करता है सेंटेंस में. वही एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगता है जब कोई वर्ब, तो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल. यहां तक आप लोगों को समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, जैसे लिखा गया आपको एग्जाम्पल में, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन. क्या लिखा गया सर? आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन यहां पे देख लियो. फिर लिखा गया आई सॉ अ बर्न्ड ट्रेन. दोनों में डिफरेंस क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है, आई सॉ, तो ये सॉ की बात करोगे तो ये इसके अकॉर्डिंग यूज हुआ, तो ये हमारे सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब है, इसको मेन वर्ब बोलोगे, ठीक है ना. अब यहाँ पे एक वर्ब आपको और दिखाई दे रहा है, एक वर्ब का फॉर्म आपको और दिखाई दे रहा है, बर्निंग, ठीक है, बर्निंग भी तो वर्ब का फॉर्म ही है. किस चीज से बना? बर्न से, ठीक है, बर्न का आईएनजी फॉर्म बर्निंग लिखा गया. लेकिन यहाँ पे देखोगे कि इस ट्रेन की बात की जा रही है, तो ट्रेन अपने आप में क्या हुआ सर? नाउ, ये तो आप लोग जानते हो, इसी को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड, ठीक है, इस ट्रेन को जो कि एक नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है बर्निंग. इसका मतलब जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, आप लोग बचपन में इससे ही जानते हो चीज कि वो फंक्शन क्या, किस चीज का कर रहा था सर? एडजेक्टिव का, ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को ही तो डिस्क्राइब करता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या बोलते हैं हम लोग इस चीज को? प्रेजेंट. ये हमारा क्या हो गया सर? प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब यहां पे देखोगे आई सॉ अ बर्न्ड ट्रेन. अच्छा, यहां पे इस ट्रेन की बात करें तो फिर से ट्रेन की बात की जा रही है, लेकिन इसके पहले लिखा हुआ है बर्न्ड. ये बर्न्ड क्या है सर? वर्ब का थर्ड फॉर्म है. क्या है वर्ब का? थर्ड फॉर्म. लेकिन यहां पे ये फंक्शन किस चीज का कर रहा है? एडजेक्टिव का. क्यों? क्योंकि यहां पे इस ट्रेन की क्वालिटी को, इस ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ट्रेन एक्चुअली में पूरा का पूरा जला हुआ था, बर्न्ड ट्रेन था, ठीक है ना. तो यहां पे ये क्या हो गया? एडजेक्टिव. और इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. क्या बोला जाता सर? पास्ट पार्टिसिपल. समझ रहे हो? तो ये दोनों को ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा, ठीक है, दोनों का ऑब्जर्वेशन से आपको पता चला कि ये फर्स्ट सेंटेंस में आपको पता चला कि जब आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया तो जो वर्निंग का काम था वो गोइंग ऑन था. आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, इट मींस उस टाइम ट्रेन जल रहा था, ठीक है. लेकिन अगर कोई बोले आई सॉ अ बर्न ट्रेन, इसका मतलब जलने का काम जो था वो क्या हो गया सर? फिनिश हो गया, ठीक है ना. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल में यही बेसिकली डिफरेंस होता है. इसमें हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो बेसिकली कंटीन्यूअस एक्शन को रेफर करता है और ये डन एक्शन को बता रहा होता है. लेकिन फंक्शन किस चीज का? एक एडजेक्टिव का कर रहा है. यहां तक आप लोगों को समझ में आया? जैसे लिखा गया she likes the dancing doll. क्या लिखा गया सर? she likes the dancing doll.
ठीक है। तो अब देखो डॉल की बात करें, डॉल अपने आप में नाउन हुआ, डब इस डॉल को डिस्क्राइब कर रही है वर्ड डांसिंग। ठीक है, आप लोग ट्वाइस देखते हो कि जब एक स्विच ऑन करने पर डॉल जो है डांस करने लगती है, कुछ भी ऐसा ट्वाइस होता है, तो वही बोल रहा था डांसिंग डॉल। तो डांसिंग आपको देखने में तो वर्ब का फॉर्म लग रहा है, बट यहाँ पे इस डॉल को डिस्क्राइब कर रहा, इस डॉल की क्वालिटी को बता रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ये क्या हो गया सर, एडजेक्टिव, और इसी को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो एक बार हम लोग साथ में बोलेंगे, ठीक है, सब लोग साथ में बोलते चलोगे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, पार्टिसिपल। ठीक है, सब लोग बोलोगे क्या, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल एक्चुअली में होता क्या, तो क्या लिखा गया, व्हेन अ वर्ब फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब का फॉर्म फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। किसकी तरह फंक्शन करता है, एडजेक्टिव की तरह, और एडजेक्टिव से आप बिल्कुल ही वाकिफ हो कि एडजेक्टिव क्या करता है, एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पार्टिसिपल। यहां तक आप लोग समझ में है? ठीक है, तो वर्ब का फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही होता है सेकंड फॉर्म, लेकिन ये दोनों कभी भी एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं करता है। एडजेक्टिव का फंक्शन या तो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म करेगा या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दो ही वर्ब का फॉर्म बेसिकली। ठीक है, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है तो दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, और अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाते हैं, आपको क्लैरिटी आती जाती है। ठीक है ना, ओके, यहां तक आप लोग समझ गए। जैसे आप इसके कैटेगराइजेशन की बात करोगे, ठीक है, जैसे लिखा गया, एक मिनट, देखो कैटेगराइजेशन की बेसिकली बात करें, ठीक है, तो ये आपका जो पार्टिसिपल है, ठीक है, फर्दर इसको हम लोग तीन लेवल पे कैटेगराइज करते हैं। कितने लेवल पे, तीन लेवल पे, ठीक है ना, आप लोग साथ साथ में बोलोगे। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बोलोगे सर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, ये आप लोग समझ गए। सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल, थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आप लोगों को समझ में है, तीन पार्टिसिपल का कैटेगराइजेशन की बात करें तो ये क्या हो गया सर, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, या परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन कैटेगराइजेशन हुआ। अब यहाँ पे आप समझोगे कि जहाँ हम लोगों ने समझा कि पार्टिसिपल फंक्शन किस चीज का कर रहा होता है सर, एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा होता है। एक्चुअली में है क्या, ये है एक वर्ब, लेकिन फंक्शन किस चीज का कर रहा है, एडजेक्टिव का। इस वजह से इसको दूसरे नाम से हम लोग भी बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं सर, वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है ना, वर्बल एडजेक्टिव के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, किस चीज को, पार्टिसिपल को। ओके, क्यों, क्योंकि है तो वर्ब, इनफैक्ट फंक्शन किस चीज का कर रहा है, एडजेक्टिव का। ओके, अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ सर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल आपका क्या हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे फंक्शन करता है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे फंक्शन कर रहा है, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, या इसको हैविंग बीन के साथ भी थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, जब ऐड करते हो तो दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है और ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, जब हम इस पे आएंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। फिलहाल अब लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो ये होता क्या है, इनफैक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जो फंक्शन किस चीज का कर रहा है सर, एडजेक्टिव का। अच्छा, तो आप लोग कल भी पढ़े, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म इनफैक्ट होता तो जेरंड भी है, क्या होता सर, कल भी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म इनफैक्ट होता तो जेरंड भी है, और ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप वर्ब के फॉर्म में भी यूज करते हो, ठीक है। तो सर तीनों में डिफरेंस क्या है, आप तो तीनों को बोल रहे हो कि तीनों वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही है, ठीक है, बट फंक्शन का फर्क है, यूसेज का फर्क है कि वो सेंटेंस में कहां पे यूज किया गया, किसको डिस्क्राइब कर रहा है ना, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, दैट इज वो मैटर करता, समझ में आ, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है तब वो क्या होता सर, पार्टिसिपल, लेकिन यही आईएनजी फॉर्म अगर एक नाउन का फंक्शन कर रहा होता है, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा, तब ये हो जाता है आपका जेरंड, ठीक है ना। हम लोग और कंपैरिजन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग कैटेगराइजेशन पे बात है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को, ठीक है ना। जैसे लिखा गया आपको फर्स्ट में, फर्स्ट आपका है पढ़ रहा, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, क्या लिखा गया सर, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इनफैक्ट होता क्या, तो वर्ब के बेस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, बेस फॉर्म में हम क्या ऐड कर रहे हैं, जब ing ऐड कर दिया, इसमें जब वर्ब का ing फॉर्म होता बेसिकली, अगर वो एक एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगे, किस चीज का फंक्शन करने लगे सर, एक एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगे, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना, सिंपल सा चीज है आपको बेसिकली। अच्छा तो आप बोलोगे कि सर अगर एडजेक्टिव है तो आप गुड भी पार्टिसिपल हो सकता क्या, ठीक है गुड भी तो एक एडजेक्टिव है, क्या ब्यूटीफुल पार्टिसिपल हो सकता क्या, क्या इंटेलिजेंट पार्टिसिपल हो सकता है क्या, ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या एडजेक्टिव का जब आप पार्टिसिपल बोल रहे हो, ठीक है तो क्या गुड ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट ये सब भी पार्टिसिपल हो सकता, तो नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता, हम लोग यहाँ पे समझे कि इसे बोला जाता है वर्बल एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव सर, वर्बल एडजेक्टिव। अब इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलने के पीछे आपको पर्पस पता चला कि एक्चुअली में एक ये तो वर्ब है तो एक वर्ब, इनफैक्ट फंक्शन किस चीज का कर रहा सर, एक एडजेक्टिव का, इसी वजह से इसको नाम दे दिया जाता है वर्बल एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव। ये चीज आप लोगों को समझ में आया, अब देखोगे थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप लोगों को चीजें समझ में आती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखा गया आपको, लिखा गया दिस इज एन इंटरेस्टिंग नोवल, क्या लिखा गया सर, दिस इज एन इंटरेस्टिंग नोवल, ठीक है। अच्छा आप देखो ये नोबेल तो अपने आप में क्या हुआ सर, नाउन, नोबेल की बात करें तो नोबेल अपने आप में नाउन है। अब इस नोबेल को वर्ड ये इंटरेस्टिंग डिस्क्राइब कर रहा कि इस नोबेल की क्वालिटी है इंटरेस्टिंग होना, इस नोबेल की क्वालिटी है इंटरेस्टिंग होना, ठीक है। तो जब क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी होता तो इनफैक्ट एक एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा होगा लेकिन फंक्शन किस चीज का कर रहा है सर, एक एडजेक्टिव का, इस वजह से यहां पे जो ये वर्ड है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे लिखा जाएगा ही सर्व्ड मी अ स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी, क्या लिखा गया सर, स्टीमिंग, ठीक है, कप ऑफ कॉफी। अब यहाँ पे देखोगे स्टीमिंग, तो स्टीमिंग आप लोग बेसिकली जानते हो जैसे जैसे चाय बनाया गया, कॉफी बनाया गया बेसिकली, तो आपको अगर सर्व किया जाएगा तो उससे क्या स्टीम निकल रहा होगा, तो स्टीम निकलने का एक्शन क्या होगा सर उस टाइम, गोइंग ऑन, इस वजह से हम उसे बोलते हैं स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी, ठीक है। तो सी सर्व्ड मी स्टीमिंग, तो स्टीमिंग, ये जो स्टीमिंग वर्ड लिखा हुआ है क्या कर रहा, इस कॉफी को, इस टी को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना, स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी, क्लियर। तो यहां पे जब ये डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है इसका मतलब इनफैक्ट हुआ क्या, ये एडजेक्टिव, और इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। जैसे अगर और एग्जाम्पल दे दिया जाए, लिखा गया ही जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, क्या लिखा गया सर, ही जंप्ड फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, देख रहे हो आप लोग एग्जांपल, ठीक है। ही जंप्ड फ्रॉम, तो ये तो हमारा सेंटेंस का मेन वर्ब हुआ, आगे भी आपको एक वर्ब दिखाई दे रहा है रन का आईएनजी फॉर्म रनिंग, ठीक है ना। तो वो सेंटेंस का क्या है सर, यहां पे देखोगे ट्रेन की बात की जा रही है और इस ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ट्रेन उस टाइम क्या था, गोइंग ऑन था, ट्रेन उस टाइम रन कर रहा था, तो रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन बोलना यानी कि रनिंग उस ट्रेन की क्या हो गई सर, क्वालिटी। तो क्वालिटी रेफर करने वाले वर्ड को हम लोग बोलते हैं, तो इनफैक्ट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और यहां पे ये क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअली में होता क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव, एक वर्ब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा, और ये क्या होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा होता है, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो गया ये चीज, हम लोग और एग्जांपल लास्ट में जब पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट कर लेंगे तो सबको कंपेयर करके भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आपको ये भी समझ में आएगा कि जेरंड पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरंड भी हो सकता है एंड वर्ब का आईएनजी पार्टिसिपल भी हो सकता है एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक वर्ब भी हो सकता है, तो डिफरेंस क्या है सर तीनों में, ये चीज आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगी, है ना। अब देखोगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट पार्टिसिपल को, किस चीज को, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या एक बार बोलोगे सब लोग नाम, क्या लिखा गया सर, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल,
ठीक है। तो अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, तब तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन अगर वर्ब का कौन सा फॉर्म सर, थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, अगर वो एक एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगे, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगे ना, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखोगे, आई saw a broken chair, क्या लिखा गया सर, I saw a broken chair, ठीक है ना। She served me steamed momos, क्या लिखा गया सर, steamed momos। अब देखोगे यहां पे steamed momos, चलिए momos का नाम तो सब लोग जानते हो, ठीक है ना, सब लोग खाए होगे momos, अब सबको खाने का भी मन करने लगा सुनते ही नाम, है ना। तो सी सर्व्ड मी क्या मोमोज, क्या किया सर, मोमोज, और उस मोमोज की क्वालिटी क्या थी, स्टीम्ड। स्टीम्ड का मतलब आपको समझ में आया कि अब जो है भाप से, जानते हो ना कि मोमोज आप जब खाने जाते हो तो कैसे मोमोज जो बनाने वाला बेचने वाला होता है वो कैसे पकाते, स्टीम से ही तो, भाप से ही तो पकाया जाता है, इस वजह से उसको बोला गया स्टीम्ड मोमोज। कैसा मोमोज, उसको उस मोमोज की क्वालिटी क्या है, स्टीम्ड, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बोले स्टीमिंग मोमोज तो क्या बोलना सही होगा, आप लोग थोड़ा सा समझोगे, क्या अगर बोला जाए सी सर्व्ड मी स्टीमिंग मोमोज तो ये बोलना सही हुआ। देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही हुआ, क्यों सही हुआ, क्योंकि जब आपके प्लेट में मोमोज सर्व किया जाएगा तो उससे स्टीम निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा, बिल्कुल निकल रहा होगा। जिस तरीके से आपको कॉफी सर्व किया जाएगा तो कॉफी से भी आपको स्टीमिंग हो रहा है, उस तरीके से अगर आपको हॉट मोमोज सर्व किया जाएगा तो हॉट मोमोज से भी क्या निकल रहा होगा सर, स्टीम निकल रहा होगा, इस वजह से स्टीमिंग मोमोज बोलना भी अपने आप में क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे बोलना सही हो, या तो आप स्टीम्ड मोमोज बोले या स्टीमिंग मोमोज, दोनों सही, ठीक है ना। आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, तो ये ब्रोकन होना उस चेयर की क्वालिटी, उस चेयर को डिस्क्राइब कर रहा, तो देखने में तो आपको ये इनफैक्ट ये वर्ब का फॉर्म लग रहा है, देखने में आपको लग रहा है क्या, एक वर्ब का फॉर्म, लेकिन फंक्शन किस चीज का कर रहा है सर, एक एडजेक्टिव का, इस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। जैसे उसी को हम लिखा जाएगा सी बाउट एन, ठीक है ना, सी बाउट एन एनिमेटेड, क्या लिखा गया सर, एनिमेटेड मूवी, जैसे ऐसे लिखा गया सी बाउट एन एनिमेटेड मूवी। अब यहाँ पे देखो बाउट तो अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये मेन वर्ब हुआ, सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया, आपसे पूछा जाएगा ही बाउट व्हाट, ही बाउट व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई तो आप सिर्फ मूवी दोगे, व्हाट का रिप्लाई हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही समझते आ गया कि व्हाट की रिप्लाई की बात करोगे तो व्हाट का रिप्लाई बेसिकली एक नाउन ही होता, ठीक है ना, तो ये आपका नाउन हो गया। लेकिन उस मूवी की क्वालिटी क्या है सर, उस मूवी की क्वालिटी है एनिमेटेड होना, उस मूवी की क्वालिटी है एनिमेटेड होता, यहाँ पे जो एनिमेटेड वर्ड लिखा गया ये है तो एक वर्ब, लेकिन फंक्शन किस चीज का कर रहा है सर, एक एडजेक्टिव का, ठीक है ना, इस मूवी को, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे एक वर्ब ना होकर के एडजेक्टिव है, और इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स के हेल्प से हम लोग बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों के डिफरेंस को समझते हैं ना। तो फर्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग बोलोगे खुद क्या लिखा हुआ है सर, आई रियली लाइक डांसिंग डॉल, ठीक है। अब देखो कि आपसे पूछा जाएगा आई रियली लाइक व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई तो आप सिर्फ नाउन दोगे, ये डॉल को दोगे, ठीक है, लेकिन इस डॉल की क्वालिटी को बताया जा रहा है क्या सर, डांसिंग डॉल, ठीक है। तो डांसिंग यहां पे देखने में तो आपको लग रहा वर्ब, लेकिन ये डॉल की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब है तो एक्चुअली में ये एडजेक्टिव, ठीक है ना, इसी वजह से इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ सर, ही सोल्ड हिज वॉकिंग मशीन, ठीक है, ही सोल्ड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई तो अपना ये दोगे मशीन, ये नाउन, लेकिन इस मशीन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड लिखा गया वॉकिंग, वॉकिंग मशीन बोलने का मतलब मशीन बिल्कुल अच्छा खासा था लेकिन फिर भी उसने बेच दिया, ठीक है, तो ये क्वालिटी बताई जा रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो आप ये जब आईएनजी फॉर्म, क्या फिर से बोलते, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर एज एन एडजेक्टिव यूज हो सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है राखी इज वॉकिंग। अब यहां पे समझोगे ये ऐसा सेंटेंस बनाया गया है ना बेसिकली कि इसमें आप वर्ब भी देख सकते हो, जेरंड भी देख सकते हैं और पार्टिसिपल भी। देखोगे अब आपको यहां से क्लियर होगा, लिखा गया राखी इज वॉकिंग,
ठीक है, एक वॉकिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, राखी इज वॉकिंग विथ द हेल्प ऑफ अ वॉकिंग स्टिक, यहाँ पे भी वॉकिंग लिखा हुआ है, एज वॉकिंग इंप्रूव्स वन्स हेल्थ। देख रहे हो, एक सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे तीन तीन जगह पे वॉकिंग यूज किया गया, कितनी जगह, तीन जगह पे, और तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट फंक्शन कर रहा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे राखी इज वॉकिंग, तो वॉक करना अपने आप में एक एक्शन हुआ, वॉक करना अपने आप में एक्शन हुआ, ठीक है, और ये सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है बेसिकली, है ना। तो ये हमारा सेंटेंस का यहाँ पे मेन वर्ब है राखी इज वॉकिंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, वॉक करने का एक्शन गोइंग ऑन है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे राखी इज वॉकिंग विथ द हेल्प ऑफ अ वॉकिंग स्टिक, विथ द हेल्प ऑफ व्हाट, विथ द हेल्प ऑफ व्हाट, तो विथ द हेल्प ऑफ स्टिक, तो स्टिक अपने आप में नाउन हो, लेकिन स्टिक की क्वालिटी बता रही है वॉकिंग, ठीक है, वो किस टाइप की स्टिक है, तो वॉकिंग स्टिक, ठीक है ना, जिनको चलने में बाय द वे प्रॉब्लम होता था, वॉकिंग स्टिक दिया जाता, तो वॉकिंग यहाँ पे क्या है सर, उस स्टिक की क्वालिटी को बताया जा रहा है, तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड को इनफैक्ट बोलते क्या है हम लोग, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, या क्या है सर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। अब यहां पे देखोगे एज, एज बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस का कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब जैसे आप सेंटेंस में कंजंक्शन यूज कर दोगे तो उसके बाद जो होगा एक न्यू सेंटेंस आपका तैयार होगा। तो यहाँ पे जो वॉकिंग यूज किया गया, एज वॉकिंग इंप्रूव्स, तो इंप्रूव्स अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ये इंप्रूव्स किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ सर, तो इस वॉकिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वॉकिंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कल हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन ही तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, और आई एन जी फॉर्म अगर सब्जेक्ट है इट मीन्स वो इनफैक्ट है क्या, एक जेरंड है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने कल पढ़ा। तो आप ये देखिए कि इस सेंटेंस में आपको एक वर्ब का फॉर्म भी आईएनजी के फॉर्म में दिखाई दिया, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में दिखाई दिया, और एक जेरंड भी आईएनजी फॉर्म में दिखाई दिया। तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया इस ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से हमें यह चीज पता चला कि जब आप वर्ब में आईएनजी की बात करोगे तो वो वर्ब मेन वर्ब तभी होगा जब उसके पहले क्या लिखा हुआ सर, एक हेल्पिंग वर्ब की बात की जा रही है, तब ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। अगर दूसरे की बात करोगे तो जब वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा सेंटेंस में, क्या कर रहा होगा सर, और एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा सेंटेंस में, तब तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। लेकिन अगर वो ऐसे ही एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो दैट इज कॉल्ड जेरंड। तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया, तीनों वर्ब का आईएनजी फॉर्म है बट फंक्शन पे डिपेंड कर रहा। फिर लिखा हुआ है ही स्टॉप्ड अ बार्किंग डॉग, अब से पूछा जाएगा ही स्टॉप्ड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आप दोगे डॉग, लेकिन डॉग की क्वालिटी क्या है सर, डॉग को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड वॉकिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो वॉकिंग अपने आप में यहां पे एक्चुअली में हुआ क्या, एक एडजेक्टिव। यहां तक आप लोग समझ में आया, लिखा गया दिस इज अ वाइल्ड एग, आप कोई चीज खा रहे हो, ठीक है, आपसे पूछा गया क्या खा रहे हो यार, तो बोलते हैं वाइल्ड एग, कौन सा एग सर, वाइल्ड एग, वाइल्ड एग, फिर से बोल रहे हैं, तो एग को, एग आप खा क्या रहे हो एक्चुअली में, एग, और वो एग की क्वालिटी को बता रहा है वाइल्ड, कि एग, एग कैसा है, बॉइल किया हुआ वाइल्ड एग है। तो यहाँ पे वाइल्ड एक्चुअली में भाप का तो है थर्ड फॉर्म, क्या लिखा हुआ सर, भाप का तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन फंक्शन किस चीज का कर रहा है, एक एडजेक्टिव का, भाप का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगे दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगता है दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। फिर लिखा गया, अब देखो कुछ पार्टिसिपल फ्रेजेस का भी यूज होता है आपके पास, जैसे लिखा गया सीइंग अ स्नेक सी क्राइड फॉर हेल्प, तो दिस इज पार्टिसिपल फ्रेज, क्या है सर इससे, पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है ना। फ्रेज आप लोग समझते हो जब एक वर्ड ना हो के दो तीन वर्ड ग्रुप में लिखा जाता है बट कंप्लीट मीनिंग तैयार नहीं करता हम फ्रेज, ये सब है ना स्टार्टिंग में आप लोग पढ़े हो। तो लिखा गया लॉस्ट इन होप, क्या लिखा गया सर, लॉस्ट इन होप सी वेटेड फॉर हिज रिप्लाई, अब देखो लॉस्ट इन होप, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया लेकिन दो तीन वर्ड और इसके साथ लिखा हुआ, तो ये एक्चुअली में है क्या, एक पार्टिसिपल फ्रेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है ना। सी वेटेड फॉर हिज रिप्लाई, यहां तक आप लोग समझ गए। लिखा गया हियरिंग माई नेम, क्या लिखा गया सर, हियरिंग माई नेम, तो हियरिंग देख रहे हो भाव का आईएनजी फॉर्म है, कुछ वर्ड और यूज किया गया, तो ये भी यहां पे क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है ना। स्माइल्ड स्टे हेल्दी, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा और, ये एग्जांपल से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वर्ब का आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और कैसे दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब दोनों में और एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग समझोगे, जैसे आपके पास वर्ड लिखा हुआ है डिप्रेसिंग और एक वर्ड लिखा हुआ है डिप्रेस्ड, एक वर्ड लिखा हुआ है एम्बैरेसिंग, एक वर्ड लिखा हुआ है एम्बैरेस्ड, तो देख रहे हो आप दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, कि एक में हम वर्ब में आईएनजी ऐड किया हुआ है और दूसरे वाले में वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म बेसिकली जो रेगुलर वर्ब होगा, ठीक है, रेगुलर वर्ब की बात करें तो रेगुलर वर्ब बनाने के लिए आप वर्ब के लास्ट में डी ऐड करोगे, ठीक है, या ईडी ऐड करोगे या टी स्टेप से ऐड होता है, ठीक है, तभी तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बेसिकली बनाने की कोशिश करते है ना। तो आपके पास एक लिखा हुआ है कंफ्यूजिंग, एक लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड, एक लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग, एक लिखा हुआ है इंटरेस्टेड, वाइल्डिंग वाइल्ड। अब यहां पे समझोगे
कंफ्यूजिंग कोई सिचुएशन होती है, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग कोई सिचुएशन होती है, लेकिन आप उसमें खुद क्या हो जाते हो सर, आप खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हो। डिफरेंस समझोगे? क्या आप बोल सकते हो कि आई एम टोटली कंफ्यूजिंग? बोल सकते हो कभी भी आई एम टोटली कंफ्यूजिंग? क्या बोलोगे? आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, द प्रॉब्लम इज कंफ्यूजिंग, द सिचुएशन इज कंफ्यूजिंग, बट यू आर कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो यहां पे जो कंफ्यूजिंग वर्ड यूज किया गया, कंफ्यूजिंग सिचुएशन, तो सिचुएशन नाउन, तो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव, यू आर कंफ्यूज्ड, तो आपकी क्वालिटी को कंफ्यूज्ड बता रहा है, तो वो भी एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग, समझ में आया? जैसे बोला गया इंटरेस्टिंग बुक, कौन सा इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग नोवेल, इंटरेस्टिंग मूवी, ऐसी तो बोलते हो, बट वो चीज तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप उसमें क्या हो, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग। ठीक है ना, तो कोई सिचुएशन, कोई बुक, कोई मूवी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो। ठीक है ना, जैसे बोला गया बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, तो वाटर उस टाइम क्या, बॉइल करने को एक्शन गोइंग ऑन है, लेकिन अगर बोल दिया जाए वाइल्ड वाटर, वाइल्ड वाटर, तो वाइल्ड करने का काम क्या हो गया सर, फिनिश हो गया, ये डिफरेंस होता दोनों में। ठीक है ना, जैसे लिखा गया स्टीमिंग एंड स्टीम्ड, तो आप लोग शाम में बेसिकली मोमोज खाने जाते होगे मार्केट में, है ना, मोमोज तो बहुत स्टूडेंट्स को ये चीज पसंद होता है ना, तो आप देखो मोमोज खाने जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ एक आपसे पूछा जाएगा कि स्टीमिंग मोमोज, वो नहीं पूछने वाला, हम आपसे पूछ दे रहे उसे कि आप क्या बोलोगे, स्टीमिंग मोमोज या स्टीम्ड मोमोज, फिर से पूछा गया स्टीमिंग मोमोज या स्टीम्ड मोमोज, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं कि सर दोनों बोलना सही हुआ, क्यों सही हुआ सर, क्योंकि जैसे आप मोमोज आपको सर्व किया जाएगा प्लेट में, तो मोमोज से स्टीम भी निकल रहा होगा। ठीक है ना, फिर ये एग्जांपल हम पहले भी दिए हैं, तो मोमोज से स्टीम निकल रहा होगा, इस वजह से आप बोलोगे स्टीमिंग मोमोज, लेकिन अगर वो पका हुआ है तो आप बोलोगे उसको स्टीम्ड मोमोज। अगर आपको एक कप ऑफ कॉफी, फिर से वही एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे, अगर एक कप कॉफी, एक कप ग्रीन टी, एक कप कुछ भी सर्व किया जाता है, तो उससे स्टीम निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा, स्टीम निकलने का एक्शन गोइंग ऑन होगा, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, आई टुक अ कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी, स्टीमिंग कॉफी, स्टीमिंग ग्रीन टी। ठीक है ना, तो स्टीमिंग देख रहे हो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब जेरंड उस कॉफी की क्वालिटी, उस कॉफी को डिस्क्राइब कर रहा है, उस मोमोज को डिस्क्राइब कर रहा है, तब वो हमारा क्या हो गया सर, एडजेक्टिव। यहां तक आप लोग समझ गए? अब लास्ट बेसिकली हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने के, ठीक है, आई होप बिल्कुल आपको क्लियर होगा होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है, जेरंड कब यूज करते हैं, अभी और हम लोग समझेंगे जेरंड के बारे में। ठीक है, जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देना है। ठीक है ना, अब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल पे आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट इसका पार्ट है, पार्टिसिपल का थर्ड पार्ट, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, एक मिनट आप लोग रुकोगे बस। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, चलिए क्या लिखा गया सर, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा क्या लिखा गया, परफेक्ट पार्टिसिपल, आप लोग बोलोगे एक बार। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं थर्ड नंबर। तो फर्स्ट में आप लोगों ने समझा कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव के तरीके से यूज हो रहा है, तब तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव के तरीके से यूज हो रहा है, तब तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, और थर्ड सिचुएशन हमारा क्रिएट होता है दो तरीके का, अगर हैविंग के साथ, क्या लिखा सर, अगर हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया गया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, या हैविंग बीन के साथ, हैविंग बीन के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ये हमारा तैयार होता है किस चीज का, एक्टिव का सेंटेंस, और ये तैयार होता है हमारा पैसिव का सेंटेंस। ठीक है, तब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किस सिचुएशन में करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, जब एक एक्शन फिनिश हो जाने के बाद, क्या बोला गया सर, एक एक्शन फिनिश होने के बाद आप दूसरे एक्शन को करते हो पास्ट में बेसिकली, जैसे बोला गया कि आप ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल चले गए, आप ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल चले गए, तो ब्रेकफास्ट करने का काम फिनिश हुआ, फिर स्कूल जाने का काम फिनिश हुआ, तो आप बोल सकते हो हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट, क्या बोल सकते हो सर, हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट आई वेंट टू स्कूल, समझ रहे हो ना। ठीक है, बोल रहा कि लंच करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए सो गए, तो क्या बोलोगे, हैविंग टेकन माई लंच आई टूक अ नैप। नैप आप लोग समझते हो, नैप बेसिकली डे टाइम में अगर शॉर्ट स्लीप लिया जाता है, छोटे टाइम के लिए बेसिकली सोया जाता है, दैट इज कॉल्ड नैप। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इस चीज को। ठीक है, क्या बोला गया सर, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, आप लोग बोलोगे साथ में, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, समझ में आया बिल्कुल।
ठीक है, जैसे लिखा गया having heard. अब देखोगे क्या होता है बेसिकली कि कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा है, ठीक है ना, कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा होता है, डिफेंडेंट प्लेंटिव ये सब हम लोग आपको बताया गया, लिटिगेंट्स क्या होता है, ठीक है. आर्गुमेंट चलने के बाद जितने भी बेसिकली जो इविडेंस रखी जाती है, ठीक है, जो भी बात कही जाती है, तो जज उसको ध्यान से सुनने के बाद ही तो डिसीजन लेते हैं. तो जज सारे मुद्दे को, सारे पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेते हैं. तो वो सारे चीज को सुनने के बाद तो आप क्या बोल सकते हो, हैविंग हर्ड. क्या बोला गया सर, हैविंग हर्ड. देख लो हैविंग के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, थर्ड फॉर्म. हैविंग हर्ड ऑल द आर्गुमेंट्स, क्या बोला गया, हैविंग हर्ड ऑल द आर्गुमेंट्स, ठीक है, द जज अनाउंस्ड हिज वर्डिक्ट. क्या कर दिया गया, द जज अनाउंस्ड हिज वर्डिक्ट. वर्डिक्ट का मतलब आप लोग जानते हो, वर्डिक्ट का मतलब होता है क्या सर, डिसीजन, ठीक है ना. वर्डिक्ट मीन्स क्या, डिसीजन. ओके ओके, तो ये दो एग्जांपल आप समझिए, बोल सकते हो क्या, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, ठीक है ना, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई ड्रोव टू ऑफिस. देख रहे हो, तो सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है ना कि परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज किया जाएगा. दो एक्टिविटीज में एक एक्शन को आप फिनिश करने के बाद दूसरा एक्शन किए हो तब सिचुएशन ऐसा तैयार हो सकता है. हैविंग के साथ आपका कौन सा फॉर्म सर, थर्ड फॉर्म. ओके, यहां तक आपको समझ में आया, और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं, ठीक है. तो गाइस कुछ और एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने की कोशिश करते हैं ना. तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के पीछे लिखा गया हैविंग रिटन अ लेटर आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस. देख रहे हो यहाँ पे दो एक्शन डन किया गया, एक एक्शन लेटर का लिखना और दूसरा पोस्ट ऑफिस जाना, दो एक्शन डन किया गया. लेकिन पहले आप लेटर लिखोगे तभी तो पोस्ट ऑफिस जाओगे ना, ठीक है. तो जो पहले वाला एक्शन है उसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखकर दिखा सकते हो, और लिखने का तरीका क्या हुआ सर, हैविंग रिटन अ लेटर. जब हैविंग के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो वो फिनिश्ड एक्शन को शो करने लगता है ना. तो having written a letter I went to post office, ऐसे sentence बनाओगे. Next लिखा हुआ है having driven badly the police challenged her. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत ही गौर करने वाली point है कि यहाँ पे देखो दोनों का दोनों action किया तो आई नहीं, लेटर लिखने का काम भी आई नहीं किया और पोस्ट ऑफिस जाने का काम भी आई नहीं किया. तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तब भी चलेगा. लेकिन इस सेंटेंस में आप देखोगे कि ड्राइव तो कोई पर्सन कर रहा होगा लेकिन चलान करने का काम तो पुलिस का है यहाँ पे, यानी कि एक्शन दोनों एक्शन करने वाले पर्सन बदल गए, ठीक है ना. तो ये जो द पुलिस लिखा हुआ है क्या इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकता है, क्या इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि कार ड्राइव करने का काम तो कोई और कर रहा है. इट मीन्स यहाँ पे या तो ही या तो सी कोई ना कोई और बंदा होगा और ये पर्सन पुलिस जो है चलान करने का काम कर रहा है, समझ रहे हो ना. फिर लिखा गया हैविंग कंसीडर्ड ऑल द पॉइंट्स, हैविंग कंसीडर्ड, देख रहे हो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ना, हैविंग कंसीडर्ड ऑल द पॉइंट्स ही टुक द डिसीजन. सारे पॉइंट्स को देखते हुए वो डिसीजन ले, तो देखो यहाँ पे डिसीजन लेने का काम ही नहीं किया, इसका मतलब ही जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्वालिफाई कर सकता. ओके, फिर लिखा गया, अब यहाँ पे समझोगे एक पॉइंट आपको बताया गया था कि जब हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिख रहे हो बेसिकली डायरेक्टली तब तो वो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर तैयार होता, लेकिन जब हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिख दिया जाएगा तब वो पैसिव का स्ट्रक्चर कन्वे करने लगे. जैसे लिखा गया हैविंग बीन डिफीटेड, तो डिफीट करने का काम तो कोई और किया, तो लिखा गया हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लेड अवे. Having been defeated, हारने के बाद वो क्या भाग गया, he fled away, तो ही तो है. फिर लिखा गया having been beaten up, he began to cry. Having been beaten up, देख रहे हो having been के साथ जब भाव का थर्ड फॉर्म लिखोगे ना तो ये स्ट्रक्चर, ये एक्शन हमारा पैसिव का है, क्योंकि पीटने का काम हराने का काम हम खुद थोड़ी ना करेंगे, कोई और ना करने वाला, ये चीज आपको समझ में आ रहा, ठीक है. ओके, तो आई होप आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या फंक्शन होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है. कैसे वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा होता, ठीक है, और कैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा होता, और हैविंग का थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वो भी है ना. तो इस टाइप जब आपको समझ में आया कि जब कोई भी वर्ब का फॉर्म, और मोस्टली कौन सा वर्ब का फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एक एडजेक्टिव का फंक्शन करने लगे, वो इनफैक्ट वर्ब है देखने में बट एक्चुअली में वो फंक्शन एक एडजेक्टिव का करे, एडजेक्टिव का फंक्शन करने का मतलब कि वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, नाउन की क्वालिटी को बता रहा होगा वो वर्ड. अब वो वर्ड एक आईएनजी के फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखा हो सकता है.
सकते हैं। इतने एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपका इसका रिटन फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। ओके, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आता आप रिपीट करो, बिल्कुल ही समझ में आ गया, नहीं क्यों आने वाला, ठीक है ना। बहुत सारे चीज को कवर किया गया, फिर से देखो रिपीट करके, नोट से हेल्प लो, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।